हे हाय ऑल, कैसे हो यार? हाउ आर यू ऑल? ओके, सो आज एक वन मोर सेशन के साथ आ रहे हैं। सो इस सेशन के बारे में आगे देखने वाले। सो अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, वेलकम्स यू ऑल हियर। राइट, देखिए, आई होप दशा का टाइम अच्छा चल रहा है, मस्ती मजे कर रहे हो। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी एंड इंजूरीज, जो कि क्लास 10 का है। कौन से क्लास का है? इट्स बिलोंग्स टू क्लास 10, सेफ्टी एंड इंजुरीज। देखिए यार, आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, कितने भी छोटे प्लेयर हो, या यू आर नॉट ए प्लेयर, पर हर इंडिविजुअल का सेफ्टी देख लेना इंपॉर्टेंट है। एंड सेफ्टी के बाद इंजुरीज तो होता है यार, कितना भी करिए इंजुरीज होता है, वेदर इट मे बी ए माइनर हो सकता है या मेजर हो सकता है। राइट, देखिए, इट्स नॉट दैट ओनली स्पोर्ट्समैन के लिए ही इंजुरीज होता है। ना ना, ऐसे नहीं होगा। वेदर इट इज ए स्पोर्ट्समैन और ए नॉन स्पोर्ट्समैन, दोनों को भी इंजुरी होगा। देखिए, आपके पेरेंट्स नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है, समझिए, दे वे वॉकिंग इन योर होम, तो पलंग का मार या टेबल का मार कुछ ना कुछ लग जाएगा ना, इज इट और नॉट? या चींटी काट जाएगी, या नहीं तो कुछ ना कुछ तेल ऊपर गिरेगा कुकिंग के टाइम, मदर्स के लिए होता है ना। सो इंजुरीज तो बहुत कॉमन है, तो ये इंजुरीज को कैसे ओवरकम करे वो भी हम देखने वाले हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विद द सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, सेल्फ इंट्रोडक्शन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सो माय इंट्रोडक्शन ऑफ करियर, मेरा करियर कैसे कब स्टार्ट हुआ है? एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर 2011 में स्टार्ट हुआ है। ओके, इससे पहले, बिफोर दिस, आई हैव डन माय मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन कर रहा हूँ। इसके साथ आई एम ए नेशनल मेडलिस्ट, मैराथन रनर, मोटर स्किल ट्रेनर, एंड वन मोर आई हैव ज्वाइंड रिसेंटली, दैट इज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का भी कोर्स ज्वाइन हो गया हूँ, सो इट विल बी एडेड ओवर हियर नाउ। ओके, सो व्हाट आई बिलीव इज, टू बी एन अचीवर यू नीड टू बी एन बिलीवर फर्स्ट। अगर आप कुछ हासिल करना चाह रहे हो, देन यू नीड टू बिलीव दैट आई कैन अचीव इट एंड आई कैन डू इट, देन ओनली यू कैन बी एन अचीवर। राइट, सो लेट्स पुट अवर थिंकिंग कैप्स ऑन, मतलब माइंड को रिलैक्स रखिए और जो भी बता रहे वो ग्रास्प करने की कोशिश करिए, हंसते हंसते चलते, हंसते हंसते चलते रहते। राइट, सो अनएकेडमी पे आने के लिए, ओके, अनएकेडमी पे आने के लिए आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? आप मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, पर करने से आपको क्या होगा? 10% डिस्काउंट। ओके, वेदर इट इज ओनली फॉर न्यू, ना, न्यू को भी है एंड एज वेल एज रिन्यूअल को भी है ये। राइट, न्यू एज वेल एज रिन्यूअल। सो न्यू में कौन ले सकता है? सो यू माइट बी थिंकिंग ओनली सीबीएसई हो सकता है ना। सीबीएसई है, उसके साथ एनटीएससी, IIIT, ओके, नीट, ओके, ऐसे कौन सा भी है, एनी को, ओके, एनी गोल ऑन अनअकैडमी, कौन सा भी गोल हो अनअकैडमी पे वो हो सकता है। राइट, लेट्स चेक इट आउट नाउ। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, हम देखने वाले हैं सेफ्टी एंड इंजुरी। सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड AI16, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। ओके, सो सेफ्टी मतलब क्या है? टू कीप अवर सेल्फ सेफ। ओके, टू कीप अवर सेल्फ, ओके, टू कीप अवर सेल्फ सेफ मतलब हम अपने आप को सेफ लगाए। सो कैसे सेफ लगा? देखिए, व्हेन यू आर गोइंग फॉर, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट घर में इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, मतलब द बेसिक नीड व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर इज अपना फुटवेयर, फुटवेयर अच्छे से पहनना चाहिए। इज इट ऑन? वैसे नहीं कि अरे यार मुझे क्या होगा बोल के नहीं जाना चाहिए। फुटवेयर पहनने से क्या होगा? इवन इफ यू कीप योर लेग ऑन एनी वायर, और इफ यू टच, अगर टच करने से क्या होगा, आपको बेस, इलेक्ट्रिसिटी को बेस नहीं मिलेगा, फ्लोर नहीं मिलेगा फुटवेयर रहने से। राइट, सेम उसी तरह सेफ्टी देख लेना चाहिए। देखिए, अगर कहीं पे काम चल रहा है, रूफ का काम चल रहा है, अगर रूफ का काम चल रहा है, देन यू आर नॉट सपोज टू गो अंडर दैट रूफ, इज इट और नॉट? कुछ ब्रिज का काम चल रहा है, ब्रिज का काम चल रहा है, तो ब्रिज के नीचे से जाओगे क्या? वो तो बहुत डेंजर होगा, इज इट और नॉट? रिस्क ले रहे हो। सो इंजुरी क्या होता है? अगर आपका नॉर्मल अब नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल, ओके, नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग, या क्या बोलते, अब नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल, ओके, नॉर्मल फंक्शनिंग, अगर आपका फंक्शनिंग
नॉर्मल ब्रेक हो जाता है देन इट्स कॉल्ड एज एन इंजुरी। देखिए अगर आपको ये फिंगर पे मार लगता है, इफ यू हैव ए इंजुरी ऑन दिस फिंगर, तो आप ऐसा बेंड कर पाओगे क्या परफेक्टली? यहाँ पे आपको आ रहा है तो यू कैन नॉट यूज अ फुल स्ट्रेंथ, राइट? इसमें क्या हो रहा है, यू आर नॉर्मल फंक्शनिंग इज बिकमिंग अब नॉर्मल, उसे हम कहते हैं इंजुरी, राइट? सो लेट्स कम ऑन, लेट्स कम ऑन, ओके ओके, सो लेट्स सी द लर्निंग कर्व, ओके? लर्निंग कर्व क्या कर्व क्या होने वाला है? सो मेरा रेफरल कोड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू AI16, जिससे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा, राइट? सो टुडेज टारगेट, ओके, आज का टारगेट क्या है ये देखना चाहिए फर्स्ट, ओके? लेट्स क्रैक इट, देन व्हाट टू रिवाइज योर अचीवमेंट, ये चार चीज देख लेना चाहिए, अपना टारगेट क्या है आज का एंड उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए एंड हमारा टारगेट रीच हुआ है या नहीं हुआ है, लेट्स चेक इट आउट, ओके? सो देखिए इंट्रोडक्टरी प्लान्स, देखिए 1 month, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, 36 and 48 months का भी आ गया, एकदम कितना हो गया ये 48 months, मतलब 48 divided by 12, कितना 12 ones है 12, 12 twos है 4, okay, 12 fours है 48, मतलब 4 साल, okay? If you are in the 9th also you can take subscription, 40,000 में हो जाएगा, ये देखिए 3,000 into 48 डाल दीजिए यार, 3,000 into 48, okay? यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 24, ओके यहाँ पे 24 हो गया, देन 0, 0, 0, 4, 12 कितना हो गया 0, 0, 4, ओके ये इसका हो गया, ये इसका, ये 4, मतलब 1,44,000, वो क्या यार इतना सारा हो गया है, मतलब हर महीना आप लेने से, हर महीना सब्सक्रिप्शन लेने के 1,00,000 पार हो रहा है यार, 1,50,000 आ जा रहा है, इज इट ऑन? अगर आप 12 months का लेते हो 15,000, 15 into 4 कितना हो गया 4 साल के लिए, राइट? 15 into 15, 30, 60,000 हो रहा है, राइट? 60,000, सो यहाँ पे क्या हो रहा है 40,000 हो रहा है अगर आप 1 go में जाते हो, इज इट ऑन? नाउ टेक सब्सक्रिप्शन फॉर क्लास 92, गेट एक्सेस टू क्रिएटिव कॉर्नर, मतलब एक ही झटके में लेने से आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी फ्री में मिल जा रहा है, राइट? सो देखिए इंट्रोड्यूसिंग, अब एक नया आ गया है अनअकैडमी पर फॉर द क्लास 9 to 12, दिस वन यू नो इट, प्लस तो आपको पहले से ही पता है, अब एक नया आ गया है आइकॉनिक, आइकॉनिक में देखिए दिस 4 आर कॉमन एज यूजुअल, देयर इज नो चेंज इन दिस, ओके? इसके साथ आपको क्या आएगा, ये 4 चीज मिल रहे हैं, पर्सनल मेंटरशिप, मतलब आपसे पर्सनली बात होगी आपके पेरेंट, ओके? देन डाउट, लाइव डाउट सॉल्यूशन, मतलब अगर आपको कोई डाउट होता है ना मैन्युअल, मतलब फेस टू फेस रह के आप पूछ सकते हो, ओके? पेरेंट्स भी आपके बात कर सकते हैं एंड स्टडी प्लानर, आपका प्लानिंग कैसे चल रहा है, आपका अटेंडेंस भी चलता है, सो यू कैन ज्वाइन इट, टेक योर क्रिएटिव कॉर्नर प्रिपरेशन टू नेक्स्ट लेवल विथ योर पर्सनल कोच, मतलब एक स्पेशल कोच आपको डेडिकेट हो जाएगा यार, सो दीज आर द टाइमिंग्स, ओके? सो अनअकैडमी क्रिएटिव कॉर्नर प्रेजेंट्स, ओके? 10 o'clock को स्टार्ट होगा, शाम में 5 बजे तक चलेगा यार, 5 बजे मतलब 4 से 5 तक, राइट? उसके बाद ये हो रहा है 18th, 17th, 18th October को आने वाला है, सो दिस इज एट टू कम, सो दिस इज स्टिल गोइंग ऑन, सो यू कैन टेक इट आउट, सो दीज आर द टाइमिंग्स एंड दीज आर द डेज, सो काइंडली चेक इट आउट, ओके? इसको अच्छे से चेक कर लीजिए एंड यूटिलाइज करिए, मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, जब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो यूज करना चाहिए, इज इट और नॉट? सो नेक्स्ट ऑन गोइंग बैचेस फॉर द क्लास 9 and 10, सो कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं क्लास 9 and 10 के लिए, प्राइम बैचेस फॉर CBSE फॉर 20 मंडे टू सैटरडे, सब्जेक्ट्स कवर्ड मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, फ्रेंच एंड हिंदी, प्रिसाइशन बैच, फुल रिविजन ऑफ प्री बोर्ड्स, मंडे टू थर्सडे, 4 दिन चल रहा है ये, 6 दिन चल रहा है ये, 4 दिन चल रहा है, लेट्स क्रैक इट NCERT फुल सिलेबस फॉर प्री बोर्ड्स मंडे टू सैटरडे, सब्जेक्ट्स कवर्ड मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, फ्रेंच एंड हिंदी, ऑल क्लासेस टू बी कंडक्टेड इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, क्लास नोट्स विल बी अवेलेबल आफ्टर एवरी सेशन इन इंग्लिश, सॉरी, राइट? यू विल बी गेटिंग ऑल द कंटेंट इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी और इंग्लिश, ओके? होपफुली रीजनल वाला भी स्टार्ट हो जाए, ओके? होपफुली रीजनल वाला भी स्टार्ट हो, सो ऑन गोइंग बैचेस, ऑन गोइंग बैचेस क्या है,
on doubt solving feature, submit your doubt in the new feature and get a video solution within 2 hours. अगर आपको कोई डाउट है तो 2 hours में आपको मिल जाएगा यार उसका सोल्यूशन. ओके, धीरे धीरे ये 2 hours जाके 2 minutes में आने के चांसेस हो गए, एंड देन फॉलोड बाय विद इन 2 seconds आपको मिल जाएंगे यार. इतना फास्ट होगा, धीरे धीरे अपग्रेडेशन तो होता ही रहेगा अनअकैडमी पे, राइट. सो डेली प्रैक्टिस सेशन DPP टू एस ऑल कॉन्सेप्ट, मतलब झकास से हो जाए सारे कॉन्सेप्ट. फ्री डेली फ्री टेस्ट अटेंड डेली मॉक एंड फ्री टेस्ट फॉलोड बाय डाउट क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स, राइट. सो अपकमिंग वाले क्या है, चैलेंजर्स बैचेस है, देन एक्सपर्ट बैचेस है, लर्न फ्रॉम एजुकेटर्स विद 10+ एक्सपीरियंस. यार मतलब देखिए 10+ मतलब मजाक है, बहुत सीनियर टीचर हो जाते हैं यार. द टारगेट बैच फास्ट ट्रैक बैच फॉर प्री बोर्ड्स एंड फॉर बोर्ड्स 2021. सो लेट्स कम ऑन. तो अब हम क्या देखने वाले, सेफ्टी एंड इंजुरी, राइट. एज आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू चेक अबाउट सेफ्टी एंड इंजुरी. सो वेलकम टू अनअकैडमी, इसको मत भूल जाइए यार. ओके, वेलकम टू अनअकैडमी, राइट, फॉर द CBSE 9th एंड 10th. देखिए सो कैसे हर इंडिविजुअल को होगा यार, हर इंडिविजुअल को इंजुरी होगा. तो इंजुरी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेट्स चेक इट आउट दैट फर्स्ट. ओके, हाउ टू ओवरकम इंजुरीज. ओके, सो इंजुरीज को ओवरकम करने के लिए कुछ बेसिक्स, ओके, वी कैन से इट प्रिवेंशन मेथड्स. ओके, प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ इंजुरी. ओके, इंजुरी के प्रिवेंशन मेथड्स क्या है, देखिए फर्स्ट वाला आता है वार्म अप इज नेसेसरी. वार्म अप इज नेसेसरी बिफोर प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. देखिए ये क्या बोल रहा है, अगर हम इंजुरीज को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट द इंजुरीज, देन वी नीड टू डू द वार्म अप करना चाहिए. कब करना चाहिए बिफोर द प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, प्रैक्टिस के पहले और बाद में. सो लेट्स सी व्हाट इज वार्म अप क्या होता है. देखिए वार्म अप इज नथिंग बट मेकिंग द बॉडी रेडी. किसके लिए रेडी कर रहे हैं, फॉर द प्रैक्टिस और फॉर द ट्रेनिंग, राइट. वार्म अप, देखिए वार्म अप में क्या करना चाहिए, असल वार्म अप क्यों करना चाहिए, हमारे बॉडी को रेडी करना चाहिए. तो रेडी कैसे होगा, हाउ द बॉडी विल बी गेटिंग रेडी. देखिए यार फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट सो आपके गाड़ी में बाइक चला रहे हो, आपके गाड़ी में 5 गियर्स है. ओके, राइट. सो अब मॉर्निंग गाड़ी निकाले हो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आप कैसे स्टार्ट करोगे, किक के साथ स्टार्ट करोगे, क्यों, उसका बैटरी चार्ज हो उसके लिए. अगर आप सेल्फ से करोगे तो सेल्फ से भी स्टार्ट होगा, पर उसका लाइफ ज्यादा नहीं रहेगा, बैटरी का लाइफ, इज इट ऑर नॉट. तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें गाड़ी को किक के साथ स्टार्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगा, राइट. तो इससे क्या होगा, इससे बैटरी का लाइफ ज्यादा आते रहेगा. अगर आप ओनली सेल्फ स्टार्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हो, समझिए बैटरी नॉर्मली 1-3 ईयर्स देने वाला बैटरी आपको 1.5 ईयर या 1 ईयर में ही डैमेज हो जाएगा. क्यों डैमेज होएगा, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली, आप उसको चार्ज नहीं कर रहे हो. सो वार्म अप भी एक चार्जिंग टाइप होता है हमारे बॉडी के लिए, वार्म अप बिफोर द प्रैक्टिस एंड द ट्रेनिंग. तो इसमें क्या करते हैं, वार्म अप में सारे एक्सरसाइजेस करते हैं. अच्छा, राइट. सो कौन सा भी एक्सरसाइज हो सकता है, वेदर. सो एक्सरसाइजेस कैसे होता है, ईच एंड एवरी जॉइंट शुड बी इन्वॉल्व. ओके, जॉइंट्स इन्वॉल्व होना चाहिए. क्या होना चाहिए, सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होना चाहिए. जब सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए तो ब्रेन को एक मैसेज जाएगा, अरे यार बॉडी पूरा काम कर रहा है, सो आई नीड टू मेक द बॉडी रेडी फॉर एन एक्टिविटी. मतलब बॉडी को रेडी करता है ब्रेन भी, बिकॉज सारे मैसेजेस तो ब्रेन से आना है, इज इट इन ऑल. सो सारे मैसेजेस ब्रेन से आना है ना, तो इसलिए वार्म अप क्या करता है, रेडी करता है.
एंड इसके बाद पूरे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, राइट। इससे क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिएक्शन टाइम फास्ट हो जाएगा। देखिए कैसे फास्ट हो, आप नींद में हो यार, आप नींद से उठने से कैसे परफॉर्मेंस अच्छा करोगे क्या? कैन यू रन 100 मीटर एट योर बेस्ट परफॉर्मेंस? नहीं कर पाओगे। अगर आपको वार्म अप करके, आपको उसे ड्रेस दे के, उसके रिलेटेड का शूज दे के, उसके रिलेटेड का ग्राउंड, वो भी नीड ग्राउंड, टाइमर सब सेट करना चाहिए, मतलब एवरीथिंग शुड बी रेडी बिफोर द प्रैक्टिस एंड बिफोर द ट्रेनिंग ऑल्सो, एवरीथिंग शुड बी रेडी, राइट। इसे और एक क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंजुरीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। इंजुरीज को रिड्यूस करना इन द सेंस वी कैन नॉट मेक इट टू द जीरो और वी कैन नॉट मेक इट टू द 5%, समझो, मतलब द लेवल ऑफ इंजुरी। फॉर एग्जांपल इंजुरी होगा भी तो फुल मैक्सिमम एक्सटेंट में ना होगा, एक ऐसे एक्सटेंट तक होगा जिसमें कि आप जल्द से जल्द रिकवर कर पाओ। अगर इंजुरी सीवियर भी है देन यू कैन रिकवर इट वेरी वेरी फास्टली, समझ रहे हो ना। तो हाई लेवल पे इंटेंस मतलब लेवल 3 का होने वाला इंजुरी लेवल 1 का होगा, लेवल 1 का होने वाला इंजुरी बिल्कुल ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना। सो फर्स्ट वाला क्या है, वार्म अप करना चाहिए, मींस मेकिंग अवर बॉडी रेडी, सो राइट। सो नेक्स्ट वाला क्या है, बी हाइड्रेटेड। वॉट इज बी हाइड्रेटेड? ओके, बी हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, सो बिफोर यू फील थर्स्ट ड्रिंक वॉटर, ड्रिंक लिक्विड। देखिए यार, आपको कब वेन यू फील थर्स्ट आपको कब प्यास लगेगा, वेन यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड, मतलब आपको प्यास लग रहा है, इन द सेंस यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड। तो इसका डिहाइड्रेटेड प्रिवेंशन में कैसे आएगा, सी अगर आप पूरा टायर्ड हो गए, पूरा थर्स्टी फील हो तक अब अगर आप रुक रहे हो तो क्या होगा, यू कैन नॉट गिव यूर परफॉर्मेंस बेस्ट एंड इट लीड्स टू इंजुरी ऑल्सो। जब आप डिहाइड्रेशन में रहोगे तो आपको डिजीनेस आएगा, गिडीनेस आएगा, आप गिरोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, राइट, डिहाइड्रेशन होने से गिरोगे। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए, इफ यू आर रनिंग 5 किलोमीटर्स एंड यू कैन रन, ओके, दिस इज अ 5 km, ये 5 km का है यार, यू कैन रन 5 km, राइट, अप टू 4 किलोमीटर्स विदाउट, ओके, अप टू 4 किलोमीटर विदाउट एनी वाटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वाटर इन 4 किलोमीटर्स टेक इट एट 2.5 या 3 किलोमीटर्स, जिससे आपका क्या होगा, यू विल नॉट फील डिहाइड्रेटेड एट द 4 किलोमीटर्स एंड यू कैन फिनिश ऑफ द रेस इजली। मतलब आपको प्यास लगे तक मत रुकिए, प्यास लगने से क्या होगा, आप ज्यादा पानी पियोगे, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा एंड क्या बोलते हैं, रिकवरी के लिए भी ज्यादा टाइम लगेगा, इज इट और नॉट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ यू डू इट, इफ यू ड्रिंक वाटर बिफोर यू फील थर्स्ट, यूर बॉडी इज ऑलरेडी इन गुड पोजिशन टू रेडीली एक्सेप्ट ईच एंड एवरी थिंग विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ टाइम, समझ रहे ना, मतलब जल्द से जल्द अब जाओ जा। देखिए यार, आप 100% थक जाते हो तो आपको रिकवरी के लिए कितना टाइम चाहिए, 2 घंटे चाहिए। अगर आप थोड़ा थक गए हो तो रेस्ट लेने गए हो, कितना जल्दी, एक आधा घंटा, घंटे में। सेम उसी तरह बॉडी भी यार, अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया तो हाइड्रेट होने के लिए टाइम ज्यादा लेगा, आप ऐसा पानी पीते हाइड्रेट नहीं होगा, इट टेक्स टाइम टू गेट अब्सॉर्ब इन द बॉडी एंड इट्स अप्लाइज टू द एंटायर बॉडी, देन यू विल फील डिहाइड्रेटेड। तो उतना काम क्यों करे, बिफोर यू स्टार्ट डिहाइड्रेटेड हैव वाटर, जिससे कि आप हमेशा हाइड्रेटेड रहते हो एंड आपको कभी भी प्यास नहीं लगेगा। अगर आपको प्यास नहीं लगेगा तो देन यू कैन एग्जीक्यूट इट वेरी वेल एंड यू नो नीड ऑफ वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, राइट। सो नेक्स्ट वाला क्या है, वॉट इज द थर्ड पॉइंट, अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स गेयर। देखिए यार, आप रग्बी खेलने जाने के लिए ओके, यू आर गोइंग टू प्ले रग्बी, यू कैन नॉट वेयर ए फुटबॉल किट,
फुटबॉल का किट पहन के नहीं जा सकते हो। रग्बी में तो पूरा हेलमेट रहता है, बॉडी गार्ड रहता है, आर्म गार्ड रहता है, थाई गार्ड रहता है, लेग गार्ड रहता है, फोर आर्म गार्ड, हर चीज के लिए गार्ड रहता है। यहाँ पे ओनली शिन गार्ड रहता है, इज इट और नॉट? यहाँ पे तो ओनली शिन गार्ड रहता है, समझ रहे हो? और आप फुटबॉल खेलने जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल एंड यू कैन नॉट वेयर ए रग्बी ड्रेस। देखिए, फुटबॉल खेलने जा रहे हो, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं सो टाइम, इतना भयंकर ड्रेस, इतना वाला, इतना बड़ा वाला डालने से आपको रनिंग होगा क्या? रनिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इज इट और नॉट? बहुत मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए, आप रनिंग कर रहे हो यार, ओके, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में जस्ट इमेजिन इफ यू आर वेयरिंग ए रग्बी ड्रेस, कैसे रहेगा? जस्ट इमेजिन, वो तो बहुत भयंकर हो जाएगा, इज इट और नॉट? सो ये क्या हो रहा है, एथलेटिक्स में क्या चाहिए आपको? शॉर्ट चाहिए, ओके, एंड स्लीव, स्लीवलेस टी चाहिए, एंड देन विद इफ इट इज अ लॉन्ग रन, ओके, फ्लैट सोल, फ्लैट शू चाहिए। इफ इट इज अ स्प्रिंट, अगर स्प्रिंट है तो आपको स्पाइक चाहिए, राइट? समझ रहे हो ना? सो रग्बी, अगर आप रग्बी में ये सारा रग्बी का किट पहन के आने से क्या होगा? एंड सेम इन द सेम वे, अगर आप एथलेटिक्स में, अगर आप रग्बी में एथलेटिक्स का ड्रेस पहने तो क्या होगा? आपका पूरा चूरा चूरा स्क्वीज हो जाओगे आप, ऐसा ऐसा क्या है, पूरा गिरनी में डालने, ग्राइंडर में डालने का नीड नहीं रहेगा आपको, ऑटोमेटिक पूरा टीम जब तक मैच हो जाएगा पूरा ग्राइंड हो जाओगे यार, समझ रहे हो ना? राइट, सो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ओके, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम स्ट्रिक्टली। राइट, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम स्ट्रिक्टली, इसका मतलब क्या है? देखिए, अब आप कबड्डी खेल रहे हो, विच गेम यू आर प्लेइंग? कबड्डी। एंड आपका अपोजिट टीम होता है ना, सो योर टीम इज एक्स एंड योर अपोजिट टीम इज वाई, ओके। अगर ये वाई वाला, इफ वाई इज नॉट फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, जब एक्स राइट को जाएगा ना तो कैसे करेगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने से ऐसे उठा के फटेगा, या नहीं तो आपका लेग पकड़ के ऐसे ब्ल 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 बोल के खींचते हुए लेके जाएगा, इज इट और नॉट? तो इसमें क्या होगा आपको, इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली इंजरी हो जाओगे, इज इट और नॉट? मतलब अगर रूल फॉलो होने से यू कैन नॉट, यू कैन कैच द एंकिल बट यू कैन नॉट पुल, आप एंकिल को कैच कर सकते हो पर ऐसे खींच के नहीं ले जा सकते हो, ओके, इज इट और नॉट? एंड अगर आपको क्रिकेट आप खेल रहे हो तो आप यू कैन कैच द प्लेयर बट यू कैन नॉट लिफ्ट एंड थ्रो द प्लेयर, आप ऐसा रिस्ट के पास पकड़ सकते हो पर उसको पकड़ के बाहर नहीं फेंक सकते हो, मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होना चाहिए, राइट? अब रनिंग कर रहे हो यार, रनिंग इन एंड कौन सा कर रहे हो? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में क्या होता है, सारे ट्रैक्स होते हैं ऐसा, राइट? एंड यू नीड टू स्टार्ट हियर, यू नीड टू फिनिश हियर, ओके, दी हियर ऑल द स्टूडेंट। सो अगर एक्स ऐसे आता है ना, ऐसे आने से क्या होगा? इफ यू आर रनिंग स्ट्रेट, ऐसे आने से इंजुरी हो जाएगा। आप आराम से भाग रहे हो यार, तो आपको इंटरप्ट करने से क्या होगा? लेग्स लगेंगे, या नहीं तो कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स का लगेगा, कि या नहीं तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, इज इट और नॉट? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने से क्या होगा? किसी को भी इंजुरी नहीं होगा, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गिव प्रायोरिटी टू रेस्ट। इसका मतलब क्या है? गिव प्रायोरिटी टू द रेस्ट, इसका मतलब यह है, बिफोर यू गेट 100% टायर्ड, इफ यू आर 100% टायर्ड, यू नीड 2 आवर्स ऑफ रेस्ट। इट्स एन एग्जाम्पल, अगर आप 60% टायर्ड हो, ओके, 60% टायर्ड रहने से आपको क्या होगा? 15 मिनट या 20 मिनट्स, 15 या 20 मिनट्स में रिकवर हो जाओगे, इज इट और नॉट? राइट, अगर आप 30% टायर्ड हो, देन स्टिल यू आर गिविंग रेस्ट, देन इन 10 मिनट्स यू, ओके, 10 मिनट्स, अगर आप मैराथन करते हो 10-15 मिनट में सब ठीक हो जाता है ना,
राइट right. सो क्योंकि आप ज्यादा टायर्ड नहीं हो, समझ रहे हो ना, आप जितना ज्यादा टायर्ड होगे बॉडी रिकवर होने के लिए उतना ज्यादा टाइम लेगा, समझ रहे हो ना। देखिए अगर आप कर रहे हो यार, आज क्या कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, ओके, वेट यू हैव डन एंड वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग करने के बाद आप क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। आप सेकेंड शो को गए हो, यू वेंट टू सेकेंड शो, सेकेंड शो को जाने से क्या होगा, आपको स्लीप नहीं रहेगा, तो फिर मॉर्निंग ओके 12 बजे 12:30 बजे सो जाते हो, एंड अगेन आप 4:30 को वेकअप होते हो, 5 o'clock ग्राउंड को रिपोर्ट करते हो, तो आपको रेस्ट मिल रहा है क्या, सिर्फ 3.5 घंटे, विच इज नॉट सूटेबल, राइट। सो आप रेस्ट लेना चाहिए बिफोर यू गेट एग्जॉस्ट। अगर आप ऐसा 1 week करोगे ना, 1 week क्या यार, 3 days करोगे ना, तो पूरा कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, मतलब आपको रिकवरी होने फिर 2-3 days लगेगा। अगर इफ यू आर वेरी गुड, आपको आराम से नाइट स्लीप जो मिल रहा है वही काफी हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट वाला क्या है, प्रायोरिटी ऑफ द रेस्ट हो गया, ओके, देन फॉलो ए गुड डाइट। देखिए न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बात करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन, ओके, न्यूट्रिशन में क्या होता है यार, ओके, कुछ चीज एनर्जी देता है, ओके, कुछ चीज बॉडी बिल्ड होता है, एंड कुछ चीज फंक्शनिंग के लिए काम आता है, एंड ऐसा और एक चीज है जो कि ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टर के ऐसा काम आता है। सो एनर्जी देने वाला कौन है, कार्बो एंड फैट्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स नहीं लोगे तो क्या होगा, आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहने से क्या होगा, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ नहीं रहने से इतना छोटा धक्का लगने से हो गया यार बोल के आप थक जाओगे, इज इट और नॉट। सो बॉडी बिल्ड, सो व्हेन यू डू, अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टिविटी करने पर यार हो गया है बोल के बोलते हो ना, तो रिकवर भी होना चाहिए, इज इट और नॉट। रिकवर होने के लिए क्या काम आएगा, प्रोटीन्स, ओके, प्रोटीन्स, ओके, फंक्शंस में क्या आएगा, मिनरल्स, राइट, मिनरल्स आएगा, ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा, वाटर। सो हर एक का चीज का एक एक काम होता है, इफ यू कैन नॉट टेक वाटर यू विल गेट डिहाइड्रेटेड, इफ यू डोंट टेक मिनरल्स यू विल गेट क्रैम्प्स, इफ यू डोंट गेट प्रोटीन्स यूर मसल्स विल नॉट गेट स्ट्रेंथ, ओके, इफ यू डोंट टेक कार्बो एंड फैट्स यू विल नॉट गेट एन एनर्जी। तो हर चीज, सो देर शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट, देर शुड बी ए, इट्स एन मस्ट एंड शुड टू हैव ए बैलेंस बैलेंस बैलेंस्ड डाइट, राइट। सो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, सो वॉट इज द नेक्स्ट वन, डोंट प्ले व्हेन यू आर इंज्योर्ड। कभी भी मत खेलिए, देखिए आप खेल रहे हो या खेलने से आपको एंकिल में एंकिल ट्विस्ट हो गया, एंकिल ट्विस्ट होने से आप इमिडिएटली क्या करना चाहिए पता है, यू नीड टू गो फॉर द रेस्ट। रेस्ट को नहीं जाने से क्या होगा, रेस्ट को नहीं जाने से जो एंकिल ट्विस्ट है, फॉर एग्जाम्पल लेवल 1, ओके, एक इंजुरी लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 होगा, राइट। अगर आप यहाँ पर इफ यू हैव इंजरी ऑफ लेवल 1 एंड यू हैव टेकन रेस्ट, देन यू कैन गेट रिकवर्ड। अगर आप लेवल 2 पे हो गए, सो इफ यू आर आफ्टर एन इंजरी ऑफ लेवल 1 इफ यू आर कंटिन्यूइंग, देन यहाँ पे रिकवरी टाइम, रिकवरिंग टाइम लॉन्ग होगा, ओके, एंड अगर आप फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, देन यू नीड टू गो फॉर सर्जरी। मतलब आराम से रेस्ट के साथ जो होता ऐसा रेस्ट लेके आप जो खत्म कर सकते हो ना, उसको जाकर आप सर्जरी तक चले जाओगे। सर्जरी में क्या होगा, आपके ऐसे बोलने का चांस नहीं रहेगा, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा पेन होगा इवन फॉर द सर्जरी, एंड वी कैन नॉट इश्योर दैट देर विल बी 100% रिकवरी। नो इंजुरी कैन बी रिकवर्ड 100%, इट विल बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑफ 90% इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस 100% without any deviation in it,
तो देखिए, डोंट प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड. सो इंजर्ड होने से क्या करना है, रेस्ट लेना है. तो इंजरी होने के बाद रेस्ट लेना है, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक आएगा. इंजर्ड, सो इंजर्ड में हम क्या देखना है चाहिए पता है, राइट सर, राइट सर एंड माइस. ओके, एंड हो गया है माइस. सो ये क्या होता है, राइसर क्या होता है, राइसर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एलिवेशन, एंड आर स्टैंड्स फॉर रेफरल टू डॉक्टर. देखिए, जैसे आप इंजरी होते हैं तो क्या करना चाहिए पता है, रेस्ट लेना चाहिए. रेस्ट लेने से क्या होगा, इंजरी का लेवल नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो ना. अगर आपको यहाँ पे कटे गया यार, इफ यू आर स्टिल वर्किंग एंड इट इज ब्लीडिंग, इफ यू आर स्टिल वर्किंग मोर अमाउंट ऑफ ब्लड विल गो एंड देर आर चांसेस इट मे गेट इन्फेक्टेड, एंड उसके साथ इंजुरी भी बढ़ने का चांसेस होता है, सीरियसनेस भी होने के चांसेस होते हैं. आप इमिडिएटली आइस लगा दे तो क्या होगा पता है, यहाँ का पेन रुक जाएगा. देर विल बी नो 0% पेन, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट देर विल बी 0% पेन. द लिमिट द इंटेंस ऑफ द पेन विल रिड्यूस. पेन जो होता है ना तो नम हो जाता है, जब हम आइस लगाते हैं ना तो नम हो जाता है, हा दिखता है, थोड़ा बर्निंग सा सेंसेशन आता है पर रिलैक्स हो जाता है. देन उसके बाद क्या करना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए. एंकल ट्विस्ट हो गया है वहां पर बिठा देना चाहिए, एंड विथ मिनिमम मूवमेंट ही शुड बी मूव टू एन कंफर्टेबल प्लेस. उसके बाद आइस रखना है. आइस रखने से क्या होगा, डेड सेल्स होते हैं ना, डेड सेल्स पूरा स्प्रेड आउट होकर वहां से पेन जाने के चांस होता है. देन उसके बाद क्या करना चाहिए, कंप्रेशन. कंप्रेशन करने से क्या होगा, स्वेलिंग. स्वेलिंग है ना, स्वेलिंग नहीं बढ़ेगा. देखिए यार, यहाँ पे आपको मार लगा है, सो यू केप्ट एन आइस, एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद कुछ ऐसा पट्टी गत से ऐसा बांध दिया हो. इफ यू टाई इट लाइक दिस वेरी वेरी स्ट्रांगली, तो क्या होगा, आप ऐसे स्ट्रांगली से टाई करने से जो स्वेलिंग है ऐसा बल्ज होने का रहेगा ना, तो नहीं रहे हो पाएगा, क्योंकि बिकॉज इट डजेंट हैव एनी मूवमेंट लाइक दिस, राइट. ऐसा मूवमेंट कब रहेगा, व्हेन देयर इज अ चांस. अगर ऐसा स्क्वीज करके सब बंद देने से क्या होगा, देयर विल बी नो मूवमेंट. व्हेन देयर इज नो मूवमेंट देयर इज नो स्वेलिंग, राइट. कंप्रेशन इज नथिंग बट ऐसा वो जहां पे हुआ है उसको एक लिमिट से ऐसा कट कर ऐसा घट से बांध कर रखना है. देन वाला आता है एलिवेशन. एलिवेशन क्या होता है, देखिए, सो लाई डाउन, ऐसा सो जाना है बस, सो जाके, सो दिस इज अ बेड यार, आपका ये बेड है. सो यू आर स्लीपिंग, दिस इज योर हेड, नेक, अपर बॉडी, ओके, एंड योर हैंड्स आर एट साइड एंड योर लेग्स आर देयर. ओके, सो लेग को, एंकल को इंजरी हो गया ना, सो एंकल को इंजरी हो गया. तो इन मूवीज यू माइट हैव सीन देयर विल बी वन रॉड लाइक दिस एंड देयर विल बी लाइक दिस एंड वन रोप विल बी दिस, राइट. तो ये लेग को क्या करते, ये लेग को इसको बांध देते, बिकॉज इट्स कॉल्ड एज एन एलिवेशन. एक कितना ऊपर उठाना चाहिए, एट द हाइट लेवल, हार्ट लेवल, एट वॉट लेवल, एट हार्ट लेवल. सी, ये आपका हार्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हार्ट एंड यू आर लाइंग लाइक दिस, दिस इज अ इंजर्ड पार्ट, राइट. यू नीड टू लिफ्ट इट लाइक दिस. सी, दिस इज यूर फ्लैट सर्फेस, यू आर लाइंग ऑन द बेड एंड दिस इज यूर हार्ट. तो ये हो वाला होना, सो दिस वॉट यू डू, यू नीड टू लिफ्ट यूर बॉडी पार्ट अबाउ द हार्ट लेवल. हार्ट लेवल से करने से क्या होगा, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा नहीं होगा, राइट. नेक्स्ट आप क्या करना चाहिए, देन अगर इंजुरी बहुत सीरियस है और एल्स इफ इट इज नॉट गेटिंग रिकवर्ड इवन इफ इट इज अ स्मॉल इंजुरी, देन वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू रेफर टू द डॉक्टर. क्योंकि आप डॉक्टर मत बनिए, अगर आप डॉक्टर बनोगे तो इंजुरी और अग्रवेट होने के चांसेस होते हैं, अग्रवेट इन द सेंस और बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हो जाते हैं. सो नेवर एवर ट्राई टू बिकम ए डॉक्टर. ओके, बेसिक वाला कर दीजिए एंड फॉरवर्ड कर दीजिए, हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वाला क्या है, प्राइसर. सो देखिए, इफ यू टेक आउट द पी, इट इज ऑलमोस्ट सेम, राइसर, RICER. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ओनली अबाउट द पी. पी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन. देखिए, कोरोना वायरस के लिए प्रिवेंशन क्या है, वी नीड टू इम्यून अवर बॉडी वेरी वेरी स्ट्रांगली, राइट. अगर सो प्रिवेंशन इज नथिंग बट वी आर ट्राइंग बाई टेकिंग ऑल द
काड़ास ऑल अदर मीन्स ऑफ से बाय वेपर्स, या नीम का वेपर हो सकता है, या ना तो कुछ केमिकल का वेपर हो सकता है. वी आर ट्राइंग टू टेक ऑल काइंड्स ऑफ वेपर्स, राइट? वेपर्स लेके उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर फिर भी आ गया है, देन वी नीड टू गो फर्दर. आई सर, देन वॉट इज माई सर? आफ्टर एन इंजुरी आप रिकवर होना है. रिकवर होने के लिए फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू द मोबिलिटी. मोबिलिटी इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ जॉइंट. राइट, मूवमेंट ऑफ जॉइंट. देखिए, इफ देर इज ए इंजुरी एट द शोल्डर, सो एट द बिगनिंग आई कैनॉट गो एंड प्ले. वॉट आई विल डू, आई विल ट्राई टू लिफ्ट द हैंड लाइक दिस. अच्छा, मतलब आई एम ट्राइंग टू मेक माई जॉइंट मूव. अच्छा, सो वॉट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम फर्स्ट आई एम माई क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू मूव इट. देन उसके बाद क्या करना चाहिए, जब मैं मूवमेंट करता हूँ ना, थोड़ा बहुत पेन होगा, देन आई नीड टू अप्लाई द आइस. देन स्वेलिंग ना हो उसके लिए कंप्रेशन एंड देन एलिवेशन. जब इंजरी होता है दिस इज द फर्स्ट थिंग, जब इंजरी होता है दिस इज द सेकेंड थिंग. देन इंजरी के बाद आप रिकवर करने की कोशिश करोगे ना, वो होता है रिकवरी इज नथिंग बट एन माइस. माइस मीन्स मोबिलिटी, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन. वाई रेफरल इज नॉट देयर? बिकॉज ऑलरेडी इन द राइसर यू हैव बीन रेफर टू एन डॉक्टर. तो डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, राइट? सो इंजुरी किस किस को हो सकता है, इंजुरी किस किस को हो सकता है, अपने बॉडी में कौन से पार्ट को हो सकता है? बोन को हो सकता है, जॉइंट को हो सकता है, एंड नेक्स्ट वाला हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू. बोन के लिए क्या होगा, फ्रैक्चर होगा. और क्या होगा, फ्रैक्चर कहां पे होगा, बोन पे होगा. जॉइंट में क्या होगा, जॉइंट्स में क्या होगा, डिसलोकेशन. ओके, सॉफ्ट टिश्यू में क्या होगा, अब्रेशन. इसमें बहुत सारे अब्रेशन, लैसरेशन, अब्रेशन, लैसरेशन, ओके, कंट्यूशन, ऐसा बहुत सारे होंगे. मतलब ये सारे सॉफ्ट, मतलब स्किन के ऊपर होते हैं. ऐसा मारने से धब्बा गिरता है, या नहीं तो हम रनिंग करने से, या छोटा छोटा सा छिले जाके एक वन ड्रॉप या हाफ ड्रॉप ब्लेड आता है एंड थोड़ा रफ बन जाता है सरफेस, राइट? सो बोन इंजुरीज ऑफ सेवन टाइप्स. ओके, सेवन टाइप्स, हाँ, सिक्स या सेवन, आई एम नॉट श्योर. व्हेन आई एम राइटिंग आई विल बी कमिंग टू नो रिगार्डिंग दिस. ओके, सेवन टाइप्स कुछ होगा, राइट? सिक्स या सेवन टाइप्स होने वाला है. सो डिसलोकेशन क्या होगा, एक्चुअल पोजिशन. एक जॉइंट का एक्चुअल पोजिशन होता है ना, अगर वो एक्चुअल पोजिशन से ऐसे ऐसे हल जाता है ना, सी दिस इज द एक्चुअल पोजिशन. इफ आई मूव देन इट इज डिसलोकेशन. मतलब एक्चुअल पोजिशन में ना हो ना, इफ आई एम नॉट इन द एक्चुअल पोजिशन देन इट इज कॉल्ड एज अ डिसलोकेशन, राइट? सो हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? Bone fracture, bone is one, second is joint, third one is soft. So now we are going to see the bone, which is called as a fracture. Right, which is also called as a fracture. So first wala aata hai, the most wala. मोस्ट वाला मतलब हर किसी को, मोस्ट ऑफ द पीपल को होता है यार. हाँ, ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल. सुनिए इसका क्या हो सकता है, फर्स्ट वाला. फ्रैक्चर टाइप्स.
ओके फर्स्ट वन इंपैक्ट फ्रैक्चर सिंपल है यार ओके सिंपल फ्रैक्चर इंपैक्ट फ्रैक्चर कम्यूनिटेड ओके ए सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है ओके एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स ओके ए सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है हम स्कूल्स में देखते हैं ना मतलब पूरा ठीक ठाक ही रहता है ओनली स्लैब डाल के लगाया जाता है ओनली ये वाला खराब होता है राइट समझ ना ओनली इनसाइड वाला का बोन ऐसा टूट जाता है बस उतना है उससे ज्यादा और कुछ ना होगा दैट इज कॉल्ड एज ए सिंपल फ्रैक्चर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर क्या होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में बोन फ्रैक्चर होता है नो डाउट उसके साथ स्किन भी खराब हो जाता है उसके साथ टिश्यूज भी खराब हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर राइट सिंपल हो गया है कॉम्प्लेक्स हो गया है नेक्स्ट इंपैक्ट फ्रैक्चर मतलब क्या है सी इफ एक बोन और एक बोन के अंदर घुस जाता है ना इफ वन बोन गोस एंड एंटर्स इनटू द अनदर बोन दैट इज कॉल्ड एज एन इंपैक्ट फ्रैक्चर इंपैक्ट मतलब एक दूसरे को ऐसे जाके लगने से उसे कहते हैं इंपैक्ट तो ऐसे लगकर क्या होता है वन ब्रोकन बोन एंटर्स इनटू द अनदर ब्रोकन बोन और एक गुड बोन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है जब रिपकेज है यार किसी का रिपकेज होता है रिपकेज क्या होता है फ्रैक्चर सो ऐसा मारने से रिपकेज को फ्रैक्चर होके वो जाके जो ब्रोकन पीस रहता है ना किसी ऑर्गन को डैमेज करता है तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर ओके नेक्स्ट वाला आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दिस इज फॉर द किड्स फ्रैक्चर ये वाला किड्स का होता है तो बच्चों के बोन्स कंप्लीटली फॉर्म नहीं होते ना तो दे डोंट ब्रेक दे ओनली बेंड दैट इज कॉल्ड एज एन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर राइट नेक्स्ट वाला है कम्युनिकेटेड मतलब क्या है कम्युनिकेटेड मतलब एक बोन में मल्टीपल फ्रैक्चर एक से दिस इज अ बोन इसमें एक से ज्यादा फ्रैक्चर्स हो गए ना तब हम उसे कहते हैं कम्युनिकेटेड मोर देन वन फ्रैक्चर राइट उसे कहते हैं कम्युनिकेटेड सो कम्युनिकेटेड में क्या कहते हैं पूरा ऐसा ट्विस्ट हो जाता है बोन उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटेड राइट सो नेक्स्ट वाला आता है जॉइंट ओके जॉइंट इंजुरीज इज नथिंग बट डिसलोकेशन जॉइंट्स में कौन सा एक्सक्यूज मी ओके जॉइंट्स में क्या होता है यार ओनली डिसलोकेशन होता है फ्रैक्चर बोन को होता है डिसलोकेशन जॉइंट में होता है तो देखिए ये वाला जॉइंट है दिस इज अ शोल्डर की दिस इज वन लाइन एंड दिस इज वन अगर ये वाला ऐसा हट जाता है ना देखिए ऐसा वाला रहता है दिस इज द एक्चुअल फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन इफ दिस मूव्स लाइक दिस ये ऐसा है ना सी दिस पार्ट कॉन्सेंट ये वाला ऐसा है तो ये ऐसा मुड़ गया दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन या ऐसा हट गया दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन समझ रहे हो ना ऐसा मतलब अपना एक्चुअल पोजिशन होता है ना एक्चुअल पोजिशन से डिविएट हो जाता है ना एक्चुअल पोजिशन से डिविएट हो जो होता है उसे हम कहते हैं डिसलोकेशन तो ये डिसलोकेशन कहां पे होगा डिसलोकेशन हैपेंस एट एनी जॉइंट कौन से भी जॉइंट पे हो सकता है इट्स नॉट लाइक दैट दिस डिसलोकेशन शुड हैपन हियर ओनली ओके सो मोस्टली कौन से गेम्स में होगा ये कॉम्बैक्ट गेम्स में होगा
कॉम्पैक्ट गेम्स क्या होता है? कॉम्पैक्ट गेम्स इज नथिंग बट क्या बोलते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट जिसमें रहता है ना, उसे हम कॉम्पैक्ट गेम्स कहते हैं, जैसे रिजलिंग। मतलब दूसरे गेम्स में वो होते हैं, पर मोस्टली कंपेयर टू एनी अदर गेम्स, रेसलिंग, कराटे, जूडो, ओके, मतलब ये सारे चीज में कॉमन क्या है, फिजिकल कॉन्टेक्ट है। फिजिकल कॉन्टेक्ट मतलब एक दूसरे को लग रहे हैं। देखिए फुटबॉल में भी लगेंगे, रनिंग में भी फ्रैक्चर्स होगा, हाँ, इज इट ऑन नॉट, नहीं होगा बोल, इवन टेबल टेनिस हो या कुछ भी हो, पक्का ये होगा, क्या बोलते हैं, पक्का इंजुरी होने के चांसेस रहते हैं। बट इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं ना, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में तो और ज्यादा रहेगा, राइट? कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में ज्यादा रहेगा, राइट? उसे हम कहते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन कॉम्बैट स्पोर्ट्स, ये अच्छे से याद रख लीजिए। ओके, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जहां पे मैन टू मैन टच होता है, राइट, लाइक रेसलिंग, कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, ऐसे वाले होते हैं ना। सो नेक्स्ट आ गया सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज। ओके, ये सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज जो स्किन या टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर टीचर रहते हैं ना, ऐसे टीचर या पेरेंट्स ऐसे स्लैप मारते हैं ना, इफ द स्लैप लाइक दिस, इफ देर इज एन मार्क ओवर हियर, मतलब यहाँ पे धब्बा गिर रहा है ना, दैट इज कम्स अंडर द इंजुरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी। और कभी कभी आप खेलते हैं, किसी ना किसी बच्चे को मार लगता है, जिससे कि यहाँ से ऐसा यहाँ पे कट हो जाता है, ब्लीडिंग सीवियर होता है, फ्लेश ऐसे दूर हो जाता है, एक लाइन से कट होकर ऐसा फ्लेश, ऐसे रहने वाला फ्लेश ऐसे दूर दूर हो जाएगा। तो उसे क्या करेंगे, उसे ऐसे पकड़ के खींच कर उसे स्टिच करेंगे, इज इट और नॉट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, राइट? पूरा मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू कौन सा है, बोन हो गया हार्ड टिश्यू, दैट्स वाई इट इज गोइंग इन टू द फ्रैक्चर, वो हार्ड टिश्यू हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी में, इंजुरी नेम इटसेल्फ इट शोइंग दैट इट इज एन सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी, समझ रहे हो ना, इट्स एन सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी, राइट? इसमें होता है, सो इंजुरीज कितने टाइप्स होता है, लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन। इंजुरीज थ्री टाइप्स के होता है, वन इज बोन इंजुरी विच इज कॉल्ड एज एन फ्रैक्चर्स, ओके। नेक्स्ट वाला क्या होता है, बोन के बाद क्या होता है, जॉइंट्स, ओके। जॉइंट में क्या होगा, डिसलोकेशन होगा सीधा सीधा, ओके। सॉफ्ट नेक्स्ट वाला है सॉफ्ट टिश्यू, जिसमें ओनली फ्लेश को होगा, बिकॉज फ्लेश में भी एनी टाइम, वेदर वेदर इट मे बी ए स्किन फॉर्म, वेदर इट मे बी, हाँ क्या बोलते हैं, स्किन भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है, कौन सा, बिकॉज इट ऑल कम्स अंडर फ्लैश, राइट? समझ रहे हो ना। सो हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वार्म अप अच्छे से करना चाहिए, ओके। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। ओके, वार्म अप अच्छा से करना चाहिए, उसे हम एक इंजुरी से प्रिवेंट हो सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम द इंजुरी बाय डूइंग द प्रॉपर वार्म अप। वार्म अप करने से क्या होगा, हमारा बॉडी एक्टिविटी के लिए रेडी होगा एंड रेस्पॉन्स के लिए रेडी होगा। इफ आवर बॉडी डोंट रेस्पॉन्ड टू अ डाइव, देन देर इज अ चांस ऑफ इंजुरी, राइट? सो नेक्स्ट वाला क्या है, सो डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड में बिफोर यू फील थर्स्ट ट्राई टू हैव सम वाटर। If you have some water, you will not feel thirsty. You are not feeling thirsty means you can work very comfortably. Next वाला, always wear appropriate sports gear. मतलब पूरा sports equipment पूरा पहन के जाना चाहिए। यार स्पिन चल रहा है, होने वाला क्या है, मैं तो स्पिन तो आराम से खेलूंगा। हाँ यार, आप स्पिन आराम से खेलोगे, अगर आपको रन आउट करने के लिए कोई बॉल थ्रो कर रहा है एंड अगर आपको आके लग गया है तो क्या होगा, फिर से इंजुरी होगा। दैट्स वाई यू नीड टू यूज द अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स गेयर फॉर एवरी वन, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्पिनर या इरेस्पेक्टिव ऑफ मीडियम फास्ट पेस बॉलर या फास्टेस्ट बॉलर लाइक शोएब अख्तर, राइट, या अब्दुल रजाक या वका यूनिस या नहीं तो इमरान, ये क्या बोलते हैं, वसीम अक्रम, राइट?
एंड ये वाले सो दिस पीपल आई हैव सीन एंड इट इज वेरी सेड दैट ऑस्ट्रेलियंस आर मोर फास्टर देन पाकिस्तान बिफोर व्हेन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन द ईयर 1889. ओके, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम. सारे गेम्स एंड रूल्स के रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए. अगर हम फॉलो करेंगे ना तभी हमें इंजुरी ना होगा, नहीं तो किसको मर जाए उसके साथ करेंगे. स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, गिपा गिप मार देंगे, मतलब उसको इंजुरी करने की कोशिश करेंगे. इफ ही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इंजुरी हो गया तो टीम का आधा मोरल डाउन हो जाएगा. इज इट और नॉट? सो उसे ओवरकम करने के लिए ऐसे कर सकते हैं. देन गिव प्रायोरिटी रेस्ट. ओके, देन गिव प्रायोरिटी टू रेस्ट. प्रायोरिटी को देना चाहिए रेस्ट, राइट? रेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए. अगर आप टायर्ड हो गए हो, सी इफ आई एम टेकिंग 10 क्लासेस एंड इफ आई एम नॉट टेकिंग रेस्ट, तो क्या होगा, मुझे सर दर्द होगा, बहुत भयंकर नींद आ जाएगा, एंड इफ आई डोंट फील लाइक हंग्री एंड पूरा इजी अनइजी हो जाएगा. इज इट और नॉट? सो वी नीड टू गिव प्रायोरिटी टू द रेस्ट ऑल्सो. देन फॉलो ए गुड डाइट, मतलब आप अच्छे से खाना चाहिए, क्योंकि अब जो भी यू ईट व्हाट यू आर, दिस इज मोस्ट फेमस सेइंग. यू आर व्हाट यू ईट, मतलब आप जो हो आप, ओके, आप कौन हो, आप जो खाते हो वही हो. यू आर नॉट समथिंग डिफरेंट, राइट? You are not at all something different, right? So इसके बाद क्या है? So हर component, देखिए nutrition में balance diet में 5-6 components होते हैं, right? Carbohydrate, fats, proteins, minerals, water. Okay? Carbohydrate, fats, proteins, minerals, water and vitamins. एंड वाइटामिन जो कि डिफिशियंसी को दूर. अगर आप इवन इफ यू आर डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी और नॉट, दैट्स द सेकेंड थिंग, यू शुड हैव ए प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर बैलेंस डाइट. तो इसमें क्या होता है, वेट के हिसाब से भी आपको कैलोरीज लेना चाहिए, एंड आपको वेट के साथ साथ एक्टिविटी के हिसाब से भी आपको कैलोरीज लेना चाहिए. इफ यू आर नॉट डूइंग लाइक दैट देन यू योर बॉडी लीड्स टू एन इंजुरी, राइट? सो डोंट प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड. अगर आप इंजर्ड हो जाते हो ना तो नहीं खेलना चाहिए. इंजर्ड होने के बाद भी खेलने से क्या होगा, इंजुरी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. अप टू सम व्हाट यूर लेग्स आर, सी पेन अलग होता है, इंजुरी अलग होता है यार. अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मिनिमम पेन होगा, इंजुरी बिल्कुल ही ना होगा. अगर आपको बोला गया है कि 5 km भागने के लिए, इफ यू आर रनिंग, सी इसमें दो केसेस है फिर इंजुरी के, राइट? इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डेली 2 km और 3 km और 4 या 5 या 6, मतलब रैंडमली इफ यू आर डूइंग एनी ऑफ दिस थिंग्स, ओके, देन यू कैन डू इट इजली. देर विल बी ओनली पेन, नो इंजुरी. And you haven't done anything from 5 days, 10 days, 20 days, 30 days. आप कुछ भी नहीं कर रहे हो and you are going for the 5 kilometers. First, it will start with the pain, then it leads to injury. Especially the ligament and the joints. Ankle, your knee. Right, समझ गए हो ना? So you need to be very, very careful. Right. So, उसको अगर इंजुरी हो जाने से क्या करना चाहिए, इंजुरी हो जाने से यू नीड टू गो फॉर द राइसर. राइसर इज नथिंग बट रेस्ट, आइस कंप्रेशन एलिवेशन एंड रेफर. रेस्ट देना चाहिए, फटक से आइस रख देना चाहिए. आइस के बाद क्या करना चाहिए, अच्छे से बांध कर रख देना चाहिए, ओके, देन उसके बाद में थोड़ा लिफ्ट करके छोड़ देना चाहिए. देन उसके बाद में फिर भी कंट्रोल में नहीं हो रहा है, इफ यू, ओके, यू कैन आफ्टर डूइंग दिस यू कैन टेक टू द हॉस्पिटल. डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल. देन उसके बाद में आता है इंजुरी. इंजुरी में क्या आता है, प्राइसर आता है. प्राइसर स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन. प्रिवेंशन के बाद क्या आता है, प्रिवेंशन के बाद आता है रेस्ट, आइस, ओके, प्रिवेंशन, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एलिवेशन एंड रेफरल, राइट? देन माइस. सो आपको इंजुरी नहीं हुए ऐसे देख लेना चाहिए. यू नीड टू टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ टू फॉर नॉट हैविंग एन इंजुरी, दैट इज कॉल्ड प्राइसर. इफ यू आर हैविंग ए इंजुरी देन गो फॉर द राइसर.
राइज रेस्ट पूरा कर दीजिए। तो रेस्ट देने के बाद फिर ना कभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज एन माइस। इसमें क्या होगा, लेट स्टार्ट विद द मोबिलिटी, बेसिक मूवमेंट से स्टार्ट होगा, देन उसके बाद सीरियसनेस आएगा। ओके सो इंजुरी कितने टाइप्स के होते हैं, अगेन सो दैट इज इंजुरीज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑफ बोन जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, राइट। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस थिंग्स। सो यू कैन कनेक्ट मी, हाउ यू कैन कनेक्ट मी, हाउ टू कनेक्ट मी, फर्स्ट वन इज यू नीड टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या नहीं तो या नहीं तो रिन्यूअल कराना चाहिए, रिन्यूअल। सो आप सब्सक्रिप्शन कराने या रिन्यूअल कराने के लिए आप अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जाकर आपका गोल को सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा, वेदर इट इज 1, 2, 4, 3, 4, 6, 12, 24, 28 कौन सा प्लान, 48 कौन सा प्लान है, उसको सेलेक्ट कर दीजिए। देन बिफोर यू पे, जस्ट बिफोर यू पे, देर विल बी वन ऑप्शन फॉर यू, उसमें रेफरल कोड को डालने के लिए पूछेगा। देन यू कीप दिस रेफरल कोड AI16। उसमें उससे क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, देन यू पे इट ऑफ। यू नीड टू फर्स्ट गिव द रेफरल कोड, देन यू नीड टू पे इट, देन यू विल गेट द हाउ मच डिस्काउंट, 10%। सो मुझे क्या फायदा होगा, यू विल बिकम माई स्टूडेंट एंड यू विल हैव मेनी एजुकेटर्स टू लोन, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लोन विथ मेनी एजुकेटर्स एंड मेनी आर द टॉपर्स, many are the toppers and rich in experience, right, and rich in experience. So you need to use this referral code AI16, right. So next class mein kya dekhenge, we will come on with one more thing. We will come on with another thing. ये unit complete नहीं हुआ है, इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि like injuries को prevent करें, so overcome कैसे करें, or else rehabilitation. We will check about the rehabilitation also. This is also one of the most important and very interesting topic होता है, important भी है as well as interesting भी है. Then so let's conclude our class for today. This is a smiley. So please take care of yourself and your loved ones and of me also by using my referral code AI16, which gives you 10%. You can use it for any goal. It's not only for CBSE, it's for IIT, IIIT, NEET, JSE. UPSC, I want at least one student who have taken the Unacademy subscription using my referral code, and that fellow has cleared the UPSC also. UPSC ke upar mera subscription le aur wo UPSC bhi clear kare. That is one of my chota sa dream on Unacademy. So I will be teaching classes 9, 10, 11 and 12 on Unacademy from Monday to Friday. So for more details, join me on Unacademy. Unacademy mein message kar dijiye mujhe, main aapko revert kar dunga, reply kar dunga. So please take care of yourself and your loved ones. Bye.